तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप सभी लोग? भाई ऑप्शन भाई बढ़िया होंगे। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ केस की एजेंसी में, ठीक है। वहाँ पे एक टायर पड़ा हुआ है मशीन का पिछला वाला, तो वो उठा के लेके आना वहाँ से, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको वहीं पे ही एजेंसी पे, ओके। तो भैया जी, मैं आया हूँ केस कंस्ट्रक्शन में, इनकी एजेंसी है। वो जो पहले जो रिव्यू की वीडियो आई थी वो यहीं पर बनाई थी, ठीक है। और भाई इनके पास मशीनें भी खड़ी है दो तीन, जेसीबी की। ये है भाई इनका ऑफिस, मेन ऑफिस तो ये है इनका। और पीछे से इनका जो स्टोर रूम है उसका रास्ता जाता है, ठीक है। पीछे इनका स्टोर है और जो इनके गैरेज है वो इसके पीछे ही बना रखी है इन्होंने। ये खड़ी भाई वो मशीनरी, दो मशीनरी खड़ी है यहाँ पे। और टायर भाई ये रहे यहाँ पे, अभी पता नहीं यहाँ पे है या फिर इनके जो स्टोर है अंदर उसके अंदर है। भाई ये इनकी मशीन भी खड़ी है, 4x4 है दोनों, ठीक है। यहां से पैदल ही होके आना पड़ेगा क्योंकि भाई आगे से मुड़ने के लिए रास्ता नहीं है। यार ये कहां से आ गो लड्डो, आगे से भाई मुड़ने के लिए रास्ता नहीं है आगे से ट्रैक्टर का, इसलिए यहां से पैदल ही जाना पड़ेगा। ये भाई यहाँ पे है ना पुरानी मशीनों को रिस्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, जो पुरानी पुरानी मशीन होती है, ठीक है। वाइन की एजेंसी जेसी भी खड़ी है यहाँ पे, ये रही 50 HP की। यहाँ पे पूछते हैं और कहाँ पे वो टायर, ठीक है। ये वाली मशीन बेचने के लिए है तो रिस्टोर के लिए, ये इंडिया के लिए तो बाहर भेज दोगे ना। अच्छा तो भैया ये है वो टायर, ये रख लिया हमने टायर इसका, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा सही है टायर, मतलब अंदर से थोड़ा सा दिक्कत है इसमें भी, पर ये चल जाएगा, इसके अंदर बाहर से कट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और भाई ये वाले टायर स्टैंडर्ड, ये तो बहुत रखे हुए हैं। इनके लिए मुझे चाहिए था वो रिम, तो रिम की वजह से ही दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने ये नहीं लिए, तो अपना एक ये टायर ले लिया, ठीक है। और भाई इनका जो रिस्टोरेशन का काम हो रहा है उसमें भाई फिर से आके व्लॉग बनाएंगे, एक अलग व्लॉग, ठीक है, क्योंकि वो अलग सेपरेट व्लॉग होगा। आज तो हम अपना ये टायर के लिए आए थे यहाँ पे, ये ले लिया हमने, अभी अपनी मशीन के अंदर इसको फिट करवाएंगे, उसके बाद फिर भाई अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि 3 दिन हो गए काम अपना बंद पड़ा हुआ है वो टायर की वजह से ही। तो लीजिए जनाब, मैं आ गया भाई अपने स्कूल पे, और भाई जो अपने टायर की फिटिंग है ना वो कल होगी, ठीक है। तो अभी तो बिल्कुल शाम हो रही, क्योंकि अभी तो हो नहीं पाएगी वहां पे भी, क्योंकि इस वाले टायर खोलने में भी 2.5 घंटे खराब हो जाते हैं खोलने में इस वाले टायर को, ठीक है। तो कल मिलता हूँ आपको, ओके ब्रो। जो वो जेसीबी की जो मशीन खड़ी थी ना वो बेचने के लिए नहीं थी वो, इसलिए मैंने वो लोग में ली नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अगर बेचने के लिए होती तो मैं आपको बताता हूँ उसमें कौन कौन से मॉडल है वो, और वो 4x4 वैसे तो, पर वो बेचने के लिए नहीं थी, वो रिस्टोर के लिए थी। वो रिस्टोर करके अपने को काम पे भेजते अपनी मशीनों को, ठीक है। तो ये प्रोसेस है उनका। The next day. भैया वो टायर डाल आया हूँ वहाँ पे भाई, वो रेडी हो गए इतने, अपने यहीं पे रहेंगे। इसकी एक पाइप भी खोलनी मशीन की, गियरबॉक्स के नीचे की फटी हुई है पाइप, वो बनवानी थी, ठीक है। तो पहले तो ये खोलेंगे, उसके बाद वो फिर टायर वहाँ से रेडी हो जाएगा, फिर अपने यहाँ पे आके उसको फिट कर देंगे, ओके। मैं इतने तरुण आ जाता है रेवाड़ी से, फिर करेंगे इसको फिटिंग यहाँ पे आके। और भाई उस दिन ये मशीन वहाँ पे खड़ी थी ना अपनी वाली, वो ये वाले टायर जोड़ के इस वाले मशीन का टायर खोल के फिर यहाँ पे लेके आए थे मशीन को, और यहाँ पे फिर इसका टायर इसके अंदर वापस जोड़ दिया, तो वहां से तो ऐसी आई थी मशीन, और फिर यहाँ पे अब इसका टायर बदलवाया है दूसरा। तो भाई अपना टायर हो गया है भाई ये रेडी, और भाई इसके अंदर प्रॉब्लम है थोड़ी सी, देख लो यहाँ से दिक्कत है भाई इसके अंदर भी, बाकी तो पूरा टायर बिल्कुल सही है। हाँ तो भैया ये मैंने कस दिया भाई पूरा, ठीक है। अभी एक बार मशीन स्टार्ट करके इसके ऊपर एक बार बोझ डालता हूँ, बूम उठा के कितना बैठता है नीचे टायर, उसी हिसाब से फिर इसके अंदर और हवा भरवानी पड़ेगी।
स्टेपलाइजर ये उठा दिए मैंने, ठीक है। तो हवा तो सही है भाई, हालांकि जी कम है बिल्कुल, तो सही है हवा तो, इतनी कुछ वो है नहीं दिक्कत, क्योंकि पिछले वो उस वाले टायर में भी इतनी ही हवा है, देख लो भाई इसमें भी इतनी ही है, ठीक है, तो सही है हवा तो। बाकी तो भाई एक बार फिर देखते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स देता है टायर, वैसे पूरा सही है, सिर्फ इसके अंदर एक वो कट है बीच में, उसके अंदर भाई कुछ भरना पड़ेगा माल भरना पड़ेगा उसके अंदर। और भाई इसकी एक वो पाइप और है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी है, ये बिल्कुल बारीक वाली पाइप, ये वाली मतलब ये दिख रही है ना आपको, ये टूटी हुई है उसके अंदर से, तो पूरा ही खोलना पड़ेगा सिस्टम, ज्वाइंट है इसका जो। तो भाई वो मैंने पाइप खोल दी और भाई वो मैं सुबह बनवा लेके आऊंगा, ठीक है, और अभी तो और बिल्कुल शाम हो रही है अभी, तो भाई मैं आपको कल मिलता हूँ एक और ब्लॉग के साथ, देखते कल कुछ काम होगा तो पाइप वालों का, उनको फोन आएगा उसके बाद फिर पता चल पाएगा कि काम है या नहीं।